फ्रेंड्स, सो दिस इज़ राधिका गौर और आज हम अपना टॉपिक नंबर 5 पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का। जैसा कि आप सब जानते हो कि हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी, संख्याओं के साथ खेलना। और इस जो चैप्टर है इस हमने इसमें ऑलरेडी 4 जो टॉपिक्स हैं हमारे उनके बारे में डिस्कशन अच्छे से कर लिया है। तो अब आते हैं हमारा अगला टॉपिक और अगले टॉपिक का नाम है 7 गुणनखंड और 7 गुणज। ये क्या होते हैं यही चीज़ मैं आपको इस सेशन में एक्सप्लेन करने वाली हूँ और समझाने वाली हूँ कि आखिर हम इनको कैसे पहचान सकते हैं, क्या होते हैं, कैसे हम इनको निकाल सकते हैं। 2 संख्याएं यदि आपको दी हुई हो तो उन 2 संख्याओं के आप गुणनखंड और गुणज को कैसे निकाल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि जो 7 गुणनखंड हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि 7 गुणनखंड होते ही क्या हैं। तो 7 गुणनखंड जो होते हैं उनको अंग्रेजी में हम कहते हैं कॉमन फैक्टर्स। कॉमन से मतलब क्या है, अब आप ये बताइए कॉमन का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसी चीज़ जो 2 लोगों में कैसी हो, सेम हो। सेम हो मतलब कॉमन हो, मतलब एकदम लगभग एक दूसरे के बराबर हो। जैसे आपने देखा होगा यदि एक ये लड़का है, ठीक है, अच्छा मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, ध्यान मत देना, एक लड़का है, ये दूसरा लड़का है, आपने देखा इस लड़के ने भी आज ब्लू शर्ट पहनी है और इसने भी आज ब्लू शर्ट पहनी है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, दोनों में ये कॉमन है कि दोनों ने ही आज कैसी शर्ट पहनी है, ब्लू शर्ट पहनी है। ठीक है, तो सेम ये चीज़ है कि कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में क्या चीज़ जो है वो सेम है। ठीक है, कॉमन क्या है, तो यहाँ पे होते हैं हमारे कॉमन फैक्टर्स जिन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, 7 गुणनखंड। ठीक है, तो देखिए 4 के यदि हम गुणनखंड करें तो क्या है, 1, 2, 4, ये 4 के गुणनखंड हुए। अच्छा 18 के गुणनखंड कितने हुए, 1, 2, 3, 6, 9, 18, ये किसके हुए, 18 के गुणनखंड हुए। अच्छा आपको गुणनखंड निकालने आते हैं, एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। देखो यदि हमें 4 के गुणनखंड निकालने हैं तो हम करेंगे 1 × 4 = 4, 2 × 4 = 4। अब यदि हम 3 × 4 करेंगे तो वो 4 नहीं आता, तो यहीं पे हम स्टॉप हो जाएंगे। तो हमने देखा 1, 4 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4, ये 3 ऐसे हैं जो 4 के गुणनखंड हुए। क्लियर, तो ऐसे ही 18 के हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो जब हमने ये पढ़ लिया तो अब हमारी बात आती है कि जो हमारे कॉमन फैक्टर्स हैं मतलब 7 गुणनखंड हैं वो क्या हैं। तो हमने देखा कि 4 के गुणनखंड ये हैं, 18 के गुणनखंड ये हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, ये देखिए दोनों के गुणनखंड में क्या क्या कॉमन है, जो कॉमन होंगे वही उनके 7 गुणनखंड होंगे। तो इसको हम देखिए इस तरीके से लिखेंगे कुछ। अब देखिए, अब इनको हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में ये कॉमन है, 2 कॉमन है, ठीक है, तो और 4 इसमें नहीं है, 3, 6, 9, 18 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब 1 और 2 ऐसे हैं जो इन दोनों में कॉमन है, कॉमन है। इसका मतलब 1 और 2 जो हैं वो क्या हुए, ये 4 और 18 के कॉमन फैक्टर्स हैं, मतलब 7 गुणनखंड है। समझ आई बात। अच्छा अभ्यास के लिए एक और आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे यदि मैं आपको एक नंबर दूं, मैंने आपको एक नंबर दिया 5 दिया और 10 दिया, तो 5 के गुणनखंड होते हैं 1 और 5, 10 के होते हैं 1, 5 और 10, इनमें क्या कॉमन है, 1 और 5 क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5 और 10 है उनके 7 गुणनखंड क्या होंगे, क्या होंगे उनके 7 गुणनखंड, 1 होगा और 5 होगा। समझ में आया, तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अच्छा 7 गुणनखंड के बाद में एक और चीज़ आती है जो हमारा सह अभाज्य संख्याएं, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो सह अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होती हैं। ठीक है, तो देखिए आपने देखा 4 और 15 के 7 गुणनखंड क्या हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया कि गुणनखंड 7 गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, तो आपने देखा इन दोनों संख्याओं को, देखो 4 के गुणनखंड करें हमने 1, 2, 4, 15 के करें 1, 3, 5 और 15। ठीक है, हमने देखा इन दोनों में सिर्फ एक ही कॉमन है, एक गुणनखंड ही कॉमन है। ठीक है, मतलब 7 गुणनखंड इनका क्या है, एक है, और एक
है का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एक संख्या है, एक है ही, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि वो संख्याएं जिनमें केवल एक ही सार गुणनखंड होता है वह संख्याएं सहअभाज्य संख्या दैट इज को प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो मतलब 4 और 15 कैसी संख्याएं हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर को हम क्या कह सकते हैं? सहअभाज्य संख्याएं। समझ में आया? ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आते हैं, देखिए अभ्यास के लिए इसमें कुछ नहीं है, आपको बस ऐसे ही कुछ नंबर लेने हैं। जैसे आप 6 ले लीजिए और 15 ले लीजिए, इन दोनों के क्या करने हैं आपको? गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। फिर देखना है कि देखिए इसका हुआ 1, 2, 3 और 6, ये 6 के गुणनखंड हो गए। 15 के हुए 1, 3, 5 और 15। हमने देखा एक कॉमन है और दोनों में 3 कॉमन है, मतलब इनके 7 गुणनखंड कितने हुए? 7 गुणनखंड इसके कितने हुए? 1 और 3 है, मतलब इसके 2 7 गुणनखंड हैं। इसका मतलब जो 6 और 15 हैं वो सहअभाज्य संख्या नहीं है, सहअभाज्य संख्या नहीं है। समझ आया? ठीक है। तो ये चीज़ है आपको समझने की ज़रूरत होगी। ओके नेक्स्ट आता है, देखिए नेक्स्ट ये आता है कि जो भी हमारे 7 गुणनखंड हैं उनको हम, यदि हमें 3 संख्याएं दी गई हों तो उनके हम 7 गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे? तो आसान है, पहले 4, 12 और 16 हमारे पास ये 3 संख्याएं, इनके 7 गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो इन तीनों संख्याओं को क्या कर लो? गुणनखंड निकाल लो। इसका 1, 2 और 4 गुणनखंड होगा। 12 के गुणनखंड होते हैं 1, 2, 3, 4, 6 और 12। 16 के होते हैं 1, 2, 4, 8 और 16। अब हम देखेंगे इन तीनों में क्या कॉमन है। तो हमने देखा एक तीनों में आ रहा है, ठीक है। तो पहला सार गुणनखंड हमारा क्या हो गया? पहला सार गुणनखंड हमारा हो गया 1। अच्छा हमने देखा 2 भी 3 में ही आ रहा है, तो दूसरा सार गुणनखंड हो गया 2। और उसके बाद हमने देखा कि जो 4 है वो भी 3 में आ रहा है। इसका मतलब कि 1, 2 और 4 ये किसके सार गुणनखंड है? 4, 12 और 16 के। समझ आया? अच्छा अभ्यास के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, आप उसको निकाल के देखिएगा, और नहीं समझ आए तो आज के नहीं डाउट कॉर्नर से पूछ लीजिएगा। 18, 9 और 21 इन तीनों के सार गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं, ठीक है। सार गुणनखंड आपको ज्ञात करने हैं, ये आप करेंगे और समझ में नहीं आएगा तो आप आस्क एनी डाउट कॉर्नर का इस्तेमाल करते हुए पूछ लेंगे। अच्छा देखिए, अब सार गुणनखंड तो हमने अच्छे से समझ लिया कि सार गुणनखंड क्या होते हैं। अब बात आती है कि जो सार गुणज हैं, क्लियर, जो सार गुणज हैं वो क्या होते हैं। तो देखिए गुणज क्या होते हैं, ये चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। जैसे 2 के गुणज निकालने हैं तो 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 18, 20, ये सब क्या है? ये क्या होंगे? 2 के गुणज होंगे, मल्टीपल होंगे। गुणज को बोलते हैं मल्टीपल। तो सार गुणज का मतलब क्या हो गया? क्या हो गया इंग्लिश में हम कह सकते हैं? कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो देखिए अब हमने देखा 4 के गुणज क्या होते हैं। देखिए 4 के गुणज होते हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये आगे बढ़ते जाएंगे। फिर 6 के भी गुणज क्या होते हैं? 6, 12, 18, 24, 30, 36, ये 6 के गुणज होते हैं। तो हम ऐसी संख्याएं चुनेंगे, कुछ ऐसी संख्याएं चुनेंगे जो दोनों सूची में आ रही होती हैं, और ऐसी संख्याएं जो होती हैं उनको हम कॉमन मल्टीपल्स कह सकते हैं। जैसे इन दोनों की संख्याओं में 12 है, ठीक है। तो 12 कैसा है? 24 है। तो हमने देखा 12 और 24 दोनों क्या है? कॉमन मल्टीपल है, मतलब सार गुणज है। किसके? किसके? जो हमारा 4 और 6 है उसके। तो कॉमन मल्टीपल्स हम गिन नहीं सकते। गिन क्यों नहीं सकते? क्योंकि तो आगे इसकी जो सीमा है वो क्या है? सीमित नहीं है, ठीक है, असीमित सीमा है। तो हम गिन तो नहीं सकते, बट हम ये बता सकते हैं कि दोनों के जो कॉमन मल्टीपल हैं या फिर कहें कि सार गुणज हैं वो क्या हैं। अच्छा अभ्यास के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन और समझाती हूँ, देखिए 5, ठीक है, 10 और
इनके आपको सार गुणज निकालने हैं। तो देखिए, पाँच के मल्टीपल हमने क्या, पाँच के गुणज क्या होंगे, पाँच के गुणज होंगे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 55 और भी आगे हम बढ़ते जा सकते हैं। 10 के क्या होंगे, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 और भी आगे हम बढ़ते जा सकते हैं। तो हमने देखा कॉमन क्या क्या है। देखो यहाँ पे हमने देखा 10 कॉमन है, 20 कॉमन है, 30 कॉमन है, 40 कॉमन है। तो हाँ यहाँ लिख लेते हैं, देखिए 10 कॉमन है, 20 कॉमन है, 30 कॉमन है, 40 कॉमन है, 50 कॉमन है, ठीक है। तो ये कैसे हो गए हमारे 10 और 5 के बीच के सार गुणज हो गए, सार गुणज हो गए मतलब कॉमन मल्टीपल हो गए, ठीक है ना, कॉमन मल्टीपल। समझ आई ये चीज। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाती है, बस आपको एक बार क्वेश्चंस को ढंग से समझने की जरूरत होती है। अच्छा अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3, 5 और 6 के सार गुणज, मतलब तीन संख्याएं दे रखी हैं उनके सार गुणज याद करने हैं। ये भी बहुत आसान है। देखिए 3 के गुणज हमने लिख लिए 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 आगे भी बढ़ के जा सकते हैं। फिर हम 5 के गुणज लिख लेंगे, लेकिन 5 की तो शेप ही अलग बन गई है। चलिए देखिए 5 है, इसके गुणज लिखे हमने 5, 10, 15, 20, 25, 30 आगे भी बढ़ सकते हैं। फिर 6 के गुणज लिखे 6, 12, 18, 24, 30। तो हमने देखा कि इनमें क्या कॉमन है, हमने देखा कि इसमें ये जो 30 है ये कॉमन आएगा, क्योंकि 24 के बाद भी 27 आएगा, फिर 30 आएगा, इस टाइप से 30 है वो कॉमन है। ऐसे ही और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 60 कॉमन आएगा, और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे 90 कॉमन आएगा। तो बेसिकली इसके सार गुणज क्या हो जाएंगे, 30, 90, 100 और 60, ये सब इसके गुणज हो जाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि सार गुणज को हम आसानी से नहीं निकाल सकते, मतलब आसानी से नहीं बता सकते कि कितने सार गुणज होंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो संख्या है वो सीमित नहीं है। तो हमने अभ्यास तो कर ही लिया ऐसी चीज़ों का। एक क्वेश्चन और मैं दे देती हूँ, आप करिएगा। देखिए 14, 12 और 20 इनके बीच में आपको क्या निकालना है, सार गुणज निकालने हैं। आपको निकालने हैं कुछ सार गुणज, ज़्यादा नहीं, आप 3 सार गुणज निकाल के दिखाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए अब कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जो मैं इस एक्सरसाइज से लेना चाहूँगी आपके लिए। देखिए जैसे 75, 60 और 210 इनके बीच में हमें सार गुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो हमने क्या किया, 75 के गुणनखंड ज्ञात करिए, करें 1, 3, 5, 15, 25 और 75। सेम हमने 60 के गुणनखंड ज्ञात करें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 30 और 60, ये होते हैं हमारे 60 के गुणनखंड। फिर हम 210 के गुणनखंड ज्ञात करेंगे, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 70, 105 और 210। ये हमने क्या किया, गुणनखंड कर लिए इनके। अब गुणनखंड करने के बाद हम देखेंगे कि कॉमन क्या है। तो हमने देखा एक तीनों में है, तो सार गुणनखंड में क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। फिर हमने देखा कि जो 3 है वो भी है, फिर देखा जो 5 है वो भी हमारा तीनों में है, फिर हम देखेंगे जो 15 है वो भी हमारा तीनों में है, ठीक है। तो इन तीनों संख्याओं के जो सार गुणज हैं वो क्या हो गए, 1, 3, 5 और 15, ठीक है। तो बहुत ही आसानी से हमने ये पता लगा लिया। अब देखिए एक हमने सार गुणनखंड का क्वेश्चन किया, तो अब हम करेंगे एक सार गुणज का क्वेश्चन। तो देखिए 3 के गुणज निकाल लिए हमने, 4 के गुणज निकाल लिए हमने और 9 के गुणज निकाल लिए। जब हमने ये गुणज निकाले तो हमने देखा कि 3, 4 और 9 में क्या चीज़ कॉमन है, सार गुणज क्या है उनके। हमने देखा कि इनमें 36 हुआ, 72 हुआ, 108 हुआ, इसके आगे भी और चीज़ें जा सकती हैं।
ये सब क्या है, कॉमन है। कॉमन है इसका मतलब ये हुआ कि 3, 4 और 9 के जो 7 गुणज हैं वो क्या हैं, 32, 72 और 108 हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम आसानी से इन चीज़ों को निकाल लेते हैं। तो देखिए, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा कि 7 गुणनखंड क्या होते हैं, 7 गुणज क्या होते हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, और साथ में ही हमने 7 गुणनखंड 7 गुणज दोनों को निकालना सीखा कि कैसे हम बता सकते हैं कि किसी संख्या, कौन सी संख्याओं के बीच में कौन से 7 गुणनखंड होंगे। मतलब हम कोई भी 2 संख्या लें तो उन संख्याओं के 7 गुणनखंड क्या होंगे, 7 गुणज क्या होंगे, ये सब हम आसानी से अपने नियमों का इस्तेमाल करते हुए पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले सेशन में और हम वहाँ पे इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।